हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके एफवाई बीकॉम सेमेस्टर वन का जो मैथमेटिक्स का हमारा सीरीज चालू हुआ है ना, उसका हैशटैग नंबर 10 बात करने वाले हैं। ध्यान से सुन लो, समझ लो, जो बच्चे सीरीज के साथ ऐड हुए हैं, मुझे भी पता है कि आपका एग्जाम आ गया नजदीक, इसीलिए ना पर डे ट्राई करेंगे कि 3 से 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करा दें और बहुत जल्दी टॉपिक आपका क्लोज कर दें। अगर बात करें इस टॉपिक की, देखो 20 मार्क्स आपको क्लियर करा दिया गया, डिसीजन थ्योरी कंप्लीट हो चुका है आपका, 10 मार्क्स का ये आज ही कंप्लीट करा दूंगा। क्योंकि ध्यान से देखो, इधर आज का जो कॉन्सेप्ट है हमारा मोड, इसके बाद 2 लेक्चर्स और आएगा, एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोड मतलब हिस्टोग्राम के साथ में ना मोड को ऐड करना सिखाएंगे, इसका जस्ट बाद वाला वीडियो जो आएगी ना वही रहेगा। लास्ट हमारा जो टॉपिक बचा है ना वो है मीडियन क्वार्टाइल्स को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद ये 10 मार्क्स के टॉपिक आपके हो जाएंगे कंप्लीट, तो मतलब 30 मार्क्स अभी तक कंप्लीट हुआ है एंड आज ही कंप्लीट करा दूंगा। ये 30 मार्क्स एकदम साइड कर दो, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी ना, कोई भी टॉपिक मींस मेजर ऑफ डिस्पर्जन ले सकते हैं या फिर शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, मतलब जो भी मुझे लगेगा कि वीडियो थोड़ी सी जल्दी बन जाएगी एंड आप लोग के लिए कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा इजी रहेगा ना, वो वीडियो आप लोग के लिए लेके आएंगे और ट्राई करेंगे पर डे, मैंने जैसे बताया कि 2 से 4 वीडियो कम से कम, मतलब जितना ज्यादा पॉसिबल हो पाए प्रोवाइड करा देंगे आपको। तो बात करेंगे आज के इजी कॉन्सेप्ट, एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है बट बहुत सिंपल सा टॉपिक है सर, मोड को या तो सिंपल सा मोड पूछा जाएगा या तो इसी को ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेंगे। आज तो हम लोग सिर्फ सीखेंगे भाई मोड अगर पूछा गया तो कैसे उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं, देखो क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर ऑफ डिस्पर्जन के जो क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब टेबल वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना भाई, टेबल आपका टी फॉर्म में दिखता है, मींस होरिजेंटल फॉर्म में दिखता है, आपको उसको वर्टिकल में हमेशा कन्वर्ट करना रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। इस टॉपिक से क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको ऐड कर दे रहा हूं, क्लियर वहां पे दिखा है ना, देखो फाइंड द मोड, क्लियर बोला है भाई, मोड फाइंड आउट कर लो, क्लियर है। बात करेंगे सिर्फ, देखो क्वेश्चन आपको कॉपी कर लिया, मतलब क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में हमने कॉपी कर लिया, ध्यान से सुनना समझना, बहुत बड़ा एडवांटेज जो है ना मोड का, अगर आप पूछोगे इस टॉपिक में सबसे आसान सा कॉन्सेप्ट कौन सा है तो वो है मोड। इसमें करना क्या, ध्यान रखो टेबल एक्स्ट्रा कुछ बनता ही नहीं है, मतलब मीन में भी आपने टेबल बनाया, मीडियन में भी टेबल बनाया, क्वार्टाइल्स में भी टेबल बनाया, मतलब हर एक टॉपिक में टेबल कुछ ना कुछ ऐड होते हैं। जैसे मीन की बात करेंगे एक्सआई अपना टेबल बनता है, एफआई एक्सआई भी बनता है, और मीडियन की अगर हम लोग बात करते हैं सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप मोर देन टाइप बनते हैं। अब मोड की बात करेंगे कुछ नहीं बनेगा भाई, टेबल जैसे तो कॉपी किया, सिर्फ फॉर्मूले याद कर लेने हैं भाई आपको, एल वन प्लस एल टू माइनस एल वन एफ वन माइनस एफ जीरो अपन में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, अगर ये याद है आपको ना तो बहुत सिंपल सा बहुत टॉपिक आपका बनता है भाई, कि इसकी जो भी फॉर्मूले में ना L1 क्या पता कर लो, L2 क्या पता कर लो, F1 F0 क्या है ना पता कर लो, बस सिंपल सा लॉजिक है। तो लॉजिक देखो सिंपल सा भाई, जो आपका नंबर ऑफ पर्संस मीन्स आपका जो F होता है ना, F मीन्स होता है भाई हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी के बेस पे ये फॉर्मूले आपके बने हैं भाई, फ्रीक्वेंसी 1 0 2। तो ध्यान से सुनो समझो भाई, फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी का हिंदी अगर वर्डिंग आप देखोगे ना, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होता है सर, बारंबारता। तो मैंने बोला कौन ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है, रिपीट हुआ है मतलब रिपीट हुआ है मतलब सर, मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, जैसे कॉलेज में बोलते ना भाई किसका नंबर सबसे ज्यादा है, तो देखेंगे भाई किसका नंबर किसका, तो 60 सबसे ज्यादा दिख रहा है, तो मैंने बोला भाई इनको साइड में ले लो, इनको साइड में लो पहले, चलिए सबसे ज्यादा नंबर लेके आए ना, मतलब समझने के लिए कॉन्सेप्ट हर टॉपिक में यही करना, सबसे बड़ा नंबर दिखेगा ना उनको साइड में लेना भाई, ये पहला नंबर आए, ज्यादा नंबर लाओगे तो किस पे आओगे, पहले नंबर पे आओगे, कॉमन सी बात है, फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगा, उसके बाद जो आएगा वो 2 हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा, उसके पहले जो आएगा सर कौन से नंबर पे जाएगा वो, मैंने बोला F0 हो जाएगा, मतलब सर हर समय ऐसे ही लॉजिक चलेगा क्या, बिल्कुल ऐसे ही लॉजिक चलेगा, ध्यान से सुन लो समझ लो। सेकंड टेबल जो हमारा होता है भाई, फ्रीक्वेंसी जो हमारी होती है ना, सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है, सबसे बड़े नंबर को बॉक्स में लेना है, एक नंबर देना है, एक नंबर में F1 देना है, उसका जस्ट नीचे F2 और जस्ट ऊपर क्या देना है 0, तो मतलब लाइन देखो 0 1 2 का लॉजिक चल गया, मतलब सिंपल है, बड़े नंबर को 1 दिया, ऊपर 0 नीचे 2 कर दिया, क्लियर सर। L1 L2 पता चल जाए तो कॉन्सेप्ट क्लियर, तो मैंने बोला बॉक्स बनाया हो ना L1 L2, क्लियर बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो समझो, आपको क्या करना है ना, आप यहां पे पूरी वैल्यू लिख दो पहले, L1 आपका कितना है सर 6000, L2 कितना है सर 8000,
एंड एफ जीरो कितना है सर? 34. एफ वन कितना है सर? 60. एफ टू कितना आया सर? 37. अब ध्यान से देखना, सुनना, समझना भी एक लॉजिक है ना। कोई एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि सर ये जो फॉर्मूले ना, फॉर्मूले के ऊपर जो हमारा टेक्स्ट बुक जो मैं प्रीफर कर रहा हूँ किसी भी पब्लिकेशन का, मनन का ना, उसके ऊपर सर ये सब लिखा गया है। L1 मीन्स होता है हमारा लोअर लिमिट लिखा है, L2 मीन्स होता है सॉरी अपर लिमिट लिखा है, F1 मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिखा है, सब कुछ तो लिखा, वो भी एग्जाम में लिखना है क्या? क्योंकि सॉल्यूशन में करके दिया है। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे, वहाँ पे तो रिप्लाई नहीं दिया, बट यहाँ पे रिप्लाई मैं दे रहा हूँ ना। ध्यान से सुनो समझो यार, इसकी तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया, एग्जाम में थोड़ी आप इतना लिखोगे। 5 मार्क्स का सम है तो टेबल बनाओ, इसका मतलब क्या होता है वो आपको नहीं बताना एग्जाम में, ये चीज है ना, ग्लो रटने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ऐसे ही करना भाई, प्रॉपर किए 5 में से 5 मिलेगा, वो कंपलसरी नहीं कि वो आप लिखोगे तो ही मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर है? नहीं तो जो जिनको कुछ डाउट कंफ्यूजन लग रहा है ना, आप यूपीएस फॉलो कर लेना। यूपीएस में यूनिवर्सिटी पेपर सॉल्यूशन आप देख लेना कैसे कराए जाते हैं मैथ्स के सम। तो ये चीज माइंड से निकाल देना कि उसकी पूरी वैल्यू पुटअप करनी रहती है। रट के बैठे हो तो लिख देना, बात अलग है। तो ध्यान से देखो, सिर्फ वैल्यू पुटअप कर देते हैं। L1 सर कितना था हमारा? 6000। तो मैंने बोला 6000 प्लस L2 माइनस L1 था। L2 सर 8000 माइनस 6000, चलिए 8000 माइनस 6000। क्लियर है? सेकेंड ब्रैकेट में सर F1 माइनस F0 मीन 60 माइनस 34। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर सर। 2F1 मीन्स 2 मल्टीप्लाई F1 कितना सर? 60 माइनस F0 कितना सर? 34 माइनस F2 कितना सर? 37। कैल से उठा लो, कैलकुलेशन करना है सिंपल सा। ध्यान दो इधर, 6000 प्लस 8000 माइनस 6000 किया सर, हमारा आएगा 2000 मल्टीप्लाई। ब्रैकेट में कुछ नहीं है, ध्यान रखो ब्रैकेट के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का रिलेशन होता है। 60 माइनस 34 किया सर, 26 आता है। अपॉन में 2 इंटू 60 किया सर, 120। अब यहां थोड़ा ध्यान रखना, कुछ लोग गलत भी करेंगे। माइनस 34 माइनस 37 ना ऐड होगा, माइनस मत कर देना भाई। माइनस का साइन तो लगेगा बट दोनों प्लस होगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे गलत करके आएंगे यहाँ पे, इसलिए बार बार बता दो, इधर इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रख लेना। यहाँ पे माइनस 34 माइनस 37 प्लस कर लो आप, 71 आए। क्लियर? चलिए 6000 प्लस किया, 2000 मल्टीप्लाई 62 तो 52000 आ जाएगा। अपॉन में 120 माइनस 71 तो 30 प्लस 20 50 49 आएगा। कैलसी उठाओ अब, डिवाइड मेरा इतना अच्छा नहीं है कि 49 का डिवाइड मैं कर पाऊंगा। तो 49 से डिवाइड देने पे जो फाइनल आंसर आया है आपका, आ रहा है आपका आंसर 1061.22। ये फाइनल आंसर है। एंड अगर मैं इसको प्लस करूंगा 6000 के साथ में तो 7061.22 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। अब ध्यान रखना, जो आपका फाइनल आंसर आता है ना, फर्स्ट टेबल में देखो क्या दिया गया सर, रुपीस दिया था, तो आप आगे ऐड कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है। एक एग्जांपल आई थिंक आपके लिए इनफ है। देखो एंडिंग टाइम पे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर एग्जाम नजदीक आ गया सर, बहुत ज्यादा हार्ड मेहनत नहीं करना, एक एग्जांपल आपको करा के दिया। अब देखो ना, अगर आपको आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है ना, उसके जस्ट पीछे एक दो एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस कर लो बस मोड में, क्योंकि कुछ डिफरेंट लेवल का सम नहीं आएगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट लेवल का कुछ सम नहीं आएगा, आएंगे एग्जाम में ना तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इसी के जैसे एक से दो एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस कर लें, दो इनफ है, दो से ज्यादा प्रैक्टिस मेरा सजेशन रहता है नहीं करना है। दो एग्जाम्पल्स इनफ होते हैं और आंसर थोड़ा सा चेक कर लेना कि आपका राइट आ रहा है या फिर रॉन्ग आ रहा है, जैसा भी रहेगा। तो इसीलिए आपका मोड में ना एक ही टॉपिक करा रहा हूं, मींस एक ही क्वेश्चंस आपको करा के दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि भाई 4 से 5 लेक्चर्स इस पे प्रोवाइड करा के कोई बेनिफिट्स नहीं है। एक ही लेक्चर में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। सिर्फ सिंपल सा लॉजिक है, फॉर्मूले याद होने चाहिए पहली कंडीशन है। सेकंड, ये जो L1, L2, F0, 1, 2 कैसे फाइंड आउट करते हो, आपको ऑलरेडी उसका लॉजिक बता चुका हूँ। तो सिंपल से समझो, ये तो आपके कैलसी के ऊपर भाई कैसे कैलकुलेशन करते हो, ये कर दिया तो आंसर है और बाकी कुछ इसमें होता नहीं है। तो चलिए, किसी बच्चे को ना फिर भी कोई डाउट कन्फ्यूजन रहेगा ना मोड का सर, कि मोड का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं क्लियर हुआ है, तो कॉमेंट कर देना, एक दो वीडियो और लेके आ जाएंगे बाद में, मीन्स टॉपिक के एंड के बाद में लेके आएंगे, एक दो वीडियो और लेके आ जाएंगे। एंड नहीं तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है ना, तो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो भाई, जो भी अदर कॉलेज के जैसे फ्रेंड सर्कल
सर्कल है ना उनको भी चैनल का लिंक शेयर करो, ताकि उनको भी मैथमेटिक्स का जो टेंशन है ना वो थोड़ा सा दूर हो जाए, एंड मैथ्स में केटी वाला टेंशन दूर करके थोड़े से स्कोरिंग का सोचे। जो बच्चों का 15 तारीख से एग्जाम है, ट्राई करेंगे एटलीस्ट 60-70 मार्क्स का कंप्लीट बहुत अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स का सीरीज प्रोवाइड करा दूं। और एक चीज है कि आप लोग जो भी टॉपिक पढ़ो ना मैथ्स में, ये चीज रहना चाहिए कॉन्फिडेंस, जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने मेरे साथ किया है तो कंप्लीट टॉपिक करा के दिया, मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा टॉपिक बचा होगा जो एग्जाम में आने के चांसेस आपके बनते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के एग्जाम मींस जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं ना उसको प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही आपको वीडियो बनाता हूं। मतलब सिंपल सा मैं सोचता हूं कि ऐसा कोई टॉपिक रहना चाहिए जो एग्जाम में इनकेस कभी आ गया तो बच्चे लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो ध्यान रखना जो टॉपिक आप प्रैक्टिस करो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना, उसमें कंप्लीट मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो 30 मार्क्स का टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा अगले लेक्चर तक, मींस एक से दो लेक्चर में, तो 30 मार्क्स में से 30 का टारगेट आपको रखने का है। इसके बाद भी आएंगे कुछ टॉपिक्स तो जो बहुत जल्दी क्लोज करेंगे, मतलब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था बोला है कि एक दिन में दो तो मिनिमम मैं बता रहा हूं भाई, ट्राई करेंगे मैक्सिमम चार लेक्चर्स लेके आने के लिए। चारों लेक्चर्स अच्छे तरीके से नोट डाउन करते रहना, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना, ताकि मैथ्स में एग्जाम में थोड़ा सा बेटर स्कोर कर पाओ। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग इसके अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।